नाउ वी हैव सम डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए इस चैप्टर में मेटल एंड नॉन मेटल में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के बारे में पढ़ा है। अब हम इनके डिफरेंसेस की बात करते हैं ऑन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल। सो हियर वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। द फर्स्ट डिफरेंस इज मेटल्स हैव अ शाइनिंग और द लस्टर। क्योंकि जो मेटल्स होते हैं उनके पास शाइनिंग होती है और उसी को हम लस्टर भी बोलते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं डू नॉट पोजेसेस एनी शाइन, उनके पास शाइन नहीं होती है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन हमारे पास रहती है दैट इज़ अ केस ऑफ आयोडीन एंड ग्रेफाइट विच हैव अ शाइन। मतलब लगभग इनमें शाइन सरफेस थोड़ा सा इनका पाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। एक्चुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन्स मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो बिल्कुल इसी के अपोजिट होगा, नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। और इसके भी एक्सेप्शन जो आएगी हमारे पास, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन अपने आप में नॉन मेटल है, लेकिन जरूरी नहीं है हर एक केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग होता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, दैट इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है इसकी एक्सेप्शन है बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है इट मे लूज इलेक्ट्रॉन, ये इन सम केसेस इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी करता है। अगर बात करें थर्ड डिफरेंस की, वी हैव मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जनरली गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इसी के अपोजिट हमारे जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें भी जो हमारा एक्सेप्शन है इट इज़ अ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज़ अ एक्सेप्शन हेयर। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो हमारे मेटल्स जनरली हार्ड होंगे और सॉलिड होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने देखा हो मरकरी के बारे में तो मरकरी इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर्स में भी हमारा मरकरी यूज़ होता है और ये अपने आप में जो इसकी स्टेट होती है इट इज़ इन लिक्विड स्टेट। और नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस, गैसेस भी हो सकते हैं और सॉलिड्स भी हो सकते हैं एट अ ऑर्डिनरी टेम्परेचर और द रूम टेम्परेचर। और इसमें अगर हमारी एक्सेप्शन आएगी तो इट इज़ इन केस ऑफ अ ब्रोमीन विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड फिफ्थ पॉइंट इज दैट मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल का मीनिंग क्या है, इसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने इस बारे में पढ़ा है। एक्चुअली मेलिएबल मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स, मतलब हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं, एक बिल्कुल थिन शीट्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। और डक्टाइल मीन्स मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, हम मेटल्स की वायर्स बना सकते हैं। सो क्योंकि जो मेटल्स हैं उनकी हाई डेंसिटी है एंड रिफ्लेक्ट द लाइट, और ये लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्शन इसमें आएगा हमारे पास, सोडियम एंड पोटेशियम आर द मेटल्स बट देयर डेंसिटीज आर लेसर देन दैट ऑफ अ वाटर। देखिए सोडियम और पोटेशियम भी हमारे पास मेटल्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी की तो इनकी जो डेंसिटी है ये वाटर से भी कम होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं सच दैट ये इतने सॉफ्ट हैं कि इनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, दैट दीज कैन बी कट विद अ नाइफ। सो देयर फॉर इनकी जो डेंसिटी है तो वो कम होती है दैट ऑफ द वाटर। बात करें अगर नॉन मेटल की तो नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, मेलिएबल भी नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं एंड हैव अ लो डेंसिटी, बिल्कुल अपोजिट नेचर ऑफ दैट ऑफ मेटल। ठीक है,
ठीक है, एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, और लाइट को भी रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि देखो मेटल्स तो लाइट को इसलिए रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका शाइनिंग सरफेस है, और शाइनिंग सरफेस है सो इजीली वो क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और लाइट को इजीली बाउंस बैक कर सकते हैं। बट जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उनका तो वैसे ही डल सरफेस होता है, और डल सरफेस जनरली लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, और इनकी डेंसिटी भी काफ़ी लो होती है। एंड इन अगर हम एक्सेप्शन की बात करें इन केस ऑफ अ नॉन मेटल, प्लास्टिक और सल्फर, ये जो हमारे पास प्लास्टिक सल्फर है ये अपने आप में डक्टाइल इन नेचर होती है, इट मीन्स हम इसकी वायर्स बना सकते हैं।